नहीं, रो मत। देखो इधर बैठी हुई, हर एक बहन के जीवन में परेशानियां हैं। शराबी पति की वजह से विमला, विकलांग बेटे के भविष्य के लिए मैरी, बेरोजगार और लाचारी की वजह से रानी का पति, एक एक घर में एक एक परेशानी है। क्या इन परेशानियों का हल मरना है? हाँ मुन्नी, जीवन बहुत कीमती है। बचपन से मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें पढ़ाई बहुत पसंद है ना? शादी की वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई, अब फिर से पढ़ाई शुरू करो। सैयद भैया, मुन्नी का बैठक में जाना आपको पसंद नहीं है ना? आपके मन में डर है कि लोग क्या कहेंगे। अब देखो बैठक में मुन्नी को कितना दिलासा मिल रही है और कितनी मदद मिल रही है। समूह में सभी सदस्य मिलकर आपके बहन को हौसला दे रहे हैं और आपके बहन के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। मुन्नी, तुमको सिलाई का काम बहुत अच्छी तरह से आता है ना? तुम अपने गांव में एक सिलाई सेंटर शुरू कर सकती हो। हम सभी अपनी बेटियों को तुम्हारे पास भेजेंगे। आप सभी लोगों को मेरा विचार कैसा लगा? बहुत अच्छा विचार है। मुन्नी, हम सभी की बात मानोगी ना? ठीक है। तो ठीक है, 3-4 सिलाई मशीन खरीदने के लिए समूह के माध्यम से हम सब मुन्नी की मदद करेंगे। क्या आप सभी सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। बैठक में सभी सदस्य एक दूसरे का सुख दुख आपस में बांटती हैं। मुन्नी जैसी दुखी महिला को बैठक में बैठने से सहेलियां मिलेंगी और मन को शांति मिलेगी। आज की बैठक खत्म हुई। हाँ मैरी, मैं एक बात बताना भूल गई। पिछले हफ्ते ग्राम समूह की बैठक में सरपंच साहब ने बताया हमारे गांव में एक नई राशन की दुकान खुलने वाली है। इस दुकान की जिम्मेदारी एक विकलांग व्यक्ति को दी जाएगी, ये सरकारी नियम है। हम दोनों ने आपके बेटे के बारे में बताया और सरपंच जी ने भी हमें सहमति दी। मेरा बेटा बहुत कमजोर है, वो दुकान को कैसे संभालेगा? आप और जॉन भैया उसकी मदद कर सकते हैं। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो लेखा जोखा ठीक से कर सकता है। दीदी, अब तो आप खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जान भैया, कल से आपके प्यारे बेटे को घूमने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों में वो बहुत व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे गांव में राशन बांटने की जिम्मेदारी उसी की है ना? देखा ना भैया, आपकी बीवी बैठक में आने की वजह से ये अनमोल जानकारी उनको मिली है। अनपढ़ और गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्वयं सहायता समूह की बैठक में सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलती है और उसे पाने का रास्ता भी मिलता है। अरे, इस बैठक में सबकी समस्या हल कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे भी पैसों की जरूरत है, मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम करेंगे। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 मैडम, पूरी हो जाएगा मुझे। अरे मत करो रे। अरे आई चला। अरे तुम लोग प्रॉब्लम ऐसा भी सॉल्व करोगे?
अजी देर हो रही है, खाना नहीं खाओगे? मेरी बात छोड़ो, आज शुक्रवार है ना, तुम्हें बैठक के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। आज कोई भूकंप आ गया क्या? आज इतनी जल्दी घर आ गए, वो भी बिना दारू पिए। क्या करें, आप देवियों ने तो सारी शराब की दुकानें बंद करवा दी हैं, कहां से मिलेगी शराब? ये लो। ये क्या है? दारू ना सही, लस्सी तो पियो। जॉन भैया, खुश दिख रहे हो, घर पे कोई मेहमान आने वाला है क्या? आज शुक्रवार है ना, आज हमारे घर में समूह की बैठक हो रही है। अच्छा अच्छा। पिताजी मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गई। हमारे समूह को हर महीने 4 बैठक क्यों करना चाहिए, अब तो आप जान ही चुके होंगे, है ना? ठीक है, तो अब मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना होगा। आपका समूह मेरे प्रश्नों का आपस में सोच विचार करके सही समाधान देगा, तो हर सही उत्तर को 1-1 अंक मिलेगा। तो आप तैयार है ना? तो फिर मेरे प्रश्नों को गौर से सुनिए। समूह में हमें कई निर्णय लेना पड़ता है, जब का तब निर्णय लेते हुए उसे अमल में लाकर समूह की घड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है ना? साधारणतः हम समूह में कैसे निर्णय लेते हैं? अपने संघ का नाम क्या होना चाहिए, अपने संघ का खाता किस बैंक में होना चाहिए, हमारी मीटिंग कब और कहाँ होनी चाहिए, हर महीने हमारा बचत खाता कितना होना चाहिए और किसको कितना कर्ज दिया जा सकता है, ऐसे कई निर्णय समूह को लेना पड़ता है ना? तो अब मेरे सवालों को ध्यान से सुनिए। समूह में सारे निर्णय किसे लेने चाहिए? केवल समूह के लीडर को निर्णय लेने से क्या होगा? सारे समूह के सदस्य निर्णय लेने में अंतर क्या है? अगर रेलगाड़ी का एक पहिया रुक जाए तो क्या रेलगाड़ी आगे बढ़ेगी? हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं तो क्या होता है? सोचिए, विचार करिए, आपके समूह में किसे निर्णय लेना चाहिए,
सोच समझ के विचार करके प्रस्ताव रखिए। पहला प्रश्न, समूह में सभी सदस्यों को मिलकर निर्णय लेने के लिए, समूह में लोकतंत्र की भावना लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब मेरा दूसरा सवाल, समूह में लिए जाने वाले हर निर्णय की जानकारी सभी समूह के सदस्यों तक कैसे पहुंचानी चाहिए, बताइए। इसे पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सोचिए, चर्चा कीजिए और फिर प्रस्ताव रखिए। दूसरा प्रश्न, पारदर्शिता माने क्या है? समूह में पारदर्शिता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहनों, समूह निधि, क्या ये शब्द आपने कभी सुना है? अपनी बचत, अपना ब्याज, अपना रिवॉल्विंग फंड, CIF, इन सब का जमा ही हमारी समूह की निधि है। ये अपने समूह का पैसा है, यानी अपना खुद का पैसा।